तो हाँ भाई करें शुरू। मार्केट के अंदर भाई इतने सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं जून 2024 के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन मैं कहूंगा भाई यहाँ पर थोड़ा थम जाओ, क्योंकि इतने सारे फोनों में से कुछ ही फोन है जिनका मैं कहूंगा आप वेट करो। ठीक है समरिया, वो कौन से फोन है आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो करनी है लाइक, और कमेंट में अपना फोन जरूर बताना है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं भाई, जो पहला फोन लॉन्च होने वाला है वो है ओप्पो की तरफ से F27 Pro। इसका प्राइस 25,000 रुपीज होगा। अब ऑफलाइन में लग सकता है इस प्राइस में तो क्यों ना। अरे बापरे, ये तो धोती खोल रहा है। और भाई इस फोन का लॉन्च है 13 तारीख को। अब मैं चूना की बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस फोन का जो लुक और डिस्प्ले है ना वो तो लाजवाब होने वाले, क्योंकि यहाँ पर 3D कर्व डिस्प्ले होगी, वो भी एमोलेड पैनल के साथ। बाकी हाई रिफ्रेश रेट तो मिलेगा ही, तो इसको देखकर काफी लोग भाई अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि वीवो V30e की तरफ हुए थे। बट यहाँ पर बात आती है अब कि इसके अंदर 25,000 में प्रोसेसर और कैमरा कौन से मिल रहे हैं। देखो जो कैमरे की ISP है वो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है, और प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर, जो कि भाई एक कमजोर प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 15-16 हज़ार रुपए में मिलता तो ठीक है, अब यहां पर इस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता। और ऊपर से जो कैमरा स्पेक्स है वो सुनने के बाद तो आप चौंक ही जाओगे, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ही अच्छा है इसके अंदर। बाकी जो दूसरा कैमरा मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का मिलेगा पूरे, वो भी डेप्थ पोर्ट्रेट के लिए। इसका होना ना होना बराबर ही है, ये सिर्फ चूना लगाने के लिए लगाया गया है। खैर इसको साइड करते हैं। फ्रंट कैमरा भी आपको 8 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। इसके अलावा 5000 mAh की बिग बैटरी मिलेगी। इसे बिग बैटरी के नाम से मार्केट किया जाएगा, बट भाई 5000 आजकल नॉर्मल हो गया है, ठीक मिल रही है, लेकिन ऐसे बिग विग नहीं कह सकते ना। तो ये वाला फोन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से ये फोन का वेट करने से अच्छा है कोई दूसरा फोन अभी मार्केट में जाके आप बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट फोन की तरफ चलें तो ये Vivo X Fold 3 Pro होगा। अब भाई फोल्ड फोन मैंने Vivo का पहले भी यूज करा, इंडिया में लॉन्च अभी तक नहीं हुए थे Vivo के फोन, और मेरे को पर्सनली Vivo के फोल्ड फोन बहुत ज्यादा पसंद आया था जब मैंने ये वाला यूज करा था। यहां पर एंटी ग्लेयर कोटिंग थी अंदर की तरफ, क्रीज का साइज नहीं दिखता, ना ही हाथ लगाने से फील होता, तो नो डाउट भाई बहुत सही है। और इसी तरीके से X Fold 3 Pro जो आएगा इसका प्राइस भी बढ़िया लग रहा है मेरे को, 80,000 रुपीज इसका प्राइस होगा, और ये 6 जून को लॉन्च होने वाला है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। यहाँ पर अच्छी गेमिंग कर सकते हो, नॉर्मल टास्क अच्छे से हैंडल कर लेता है प्रोसेसर, और अब कोई हीटिंग इश्यूज भी नहीं रहे हैं इस प्रोसेसर के अंदर। बाकी फोन आएगा तो टेस्ट करके हम आपको बता ही देंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बाहर वाली जो डिस्प्ले होगी ना, कवर डिस्प्ले, वो 6.5 इंच की होने वाली है। एमोलेड पैनल होगा, 4500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ, फुल HD डिस्प्ले होगी, HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और डॉल्बी विजन कंटेंट भी आप इसके अंदर स्ट्रीम कर सकते हो। और अंदर वाले डिस्प्ले पे अगेन एंटी ग्लेयर कोटिंग आपको मिलने वाली है। बाकी 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जैसे कि वीवो ने अपनी वी सीरीज के अंदर दिया था। एक मेन कैमरा होगा, एक टेलीफोटो और एक अल्ट्रा वाइड होने वाला है। बाकी 5500 mAh का बड़ा बैटरा डाल के दिया है, वो भी भाई 80 वॉट की चार्जिंग के साथ। तो मैं कहूंगा कि इस फोन का वेट कर सकते हो, बस मेरे को ये लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में ये ज्यादा ब्लोटवेयर ऐड करके ना दे दे, क्योंकि वीवो के फोन के अंदर काफी लोगों को बस उसी से शिकायत है। बाकी जब ये फोन आएगा हम आपको अपने चैनल पर उसे अनबॉक्स और रिव्यू करके अच्छे से बता देंगे, और हो सकता है तो लॉन्च से पहले बता दें। अब वीवो ऐसे नहीं है भाई, बड़े प्राइस में खेलेगा, यहाँ पर छोटे प्राइस के फोन भी लॉन्च करेगा। 15,000 में इनका आने वाला है T3 लाइट स्मार्टफोन, और इसके अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो चूना लगाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर MediaTek Dimensity 6200 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफी कमजोर प्रोसेसर है। अराउंड 10-11 हज़ार में मिलता है, ठीक है, लेकिन ये 15,000 में मिलने वाला है। बाकी आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। वैसे ये फोन 27 तारीख को लॉन्च होने वाला है, 27 जून को, और इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन एक चीज जरूर कंफर्म हो गई है, जैसे कि वीवो कोई फोन लॉन्च करता है ना तो भाई आईकू पीछे पीछे फोन लॉन्च करता है, तो यहां पर आईकू का भी Z9 लाइट लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइस अगेन 15,000 रुपए होगा, और इसकी भी सेम ही स्पेसिफिकेशन होने वाली है, तो कार्बन को भी बोला जा सकता है दोनों को। खैर इन दोनों से एक बढ़िया फोन बताता हूं भाई, मोटोरोला 10,000 रुपए में एक फोन लॉन्च करने वाला है जून की फर्स्ट वीक में। इसका नाम है Moto G04S स्मार्टफोन। ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, क्योंकि 6.5 इंच का पैनल है यहां पर, IPS भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ऊपर से इसका UI काफी क्लीन होने वाला है, कोई ब्लोटवेयर, कोई नोटिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है, और इसी वजह से यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है ना वो भी सॉलिड मिलेगा, और ऊपर से यहाँ पर 5000 mAh का बैटरा भी है, तो फुल डे का बैटरी बैकअप आराम से निकालने वाला है अगर आप हैवी यूजर भी हो। इसके अलावा भाई कैमरा इंप्रूवमेंट अभी मोटोरोला ने काफी अच्छी करी है, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और मेरे को लगता है कि 10,000 के प्राइस सेगमेंट में अगेन एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा कैमरा परफॉर्मेंस में। बस यही है कि यहाँ पर जो कैमरा UI है ना मोटोरोला का, उसमें थोड़ी सी जिटरिंग मिलती है, और जब आप फोटो क्लिक
करते हैं तो पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, जो कि मेरे को लग रहा है एंड्रॉइड की दिक्कत है, क्योंकि सेम इशू हमने पिक्सल फोन के साथ फेस करा था। बाकी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर यूनी एसओसी T606 प्रोसेसर डाला है, जो कि ठीक है आपकी नॉर्मल टास्क को हैंडल कर लेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसका वेट कर सकते हो अगर आपको एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन बाय करना है। अब नेक्स्ट फोन का नामकरण थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है भाई इससे पहले ही इसका बड़ा भाई आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ओनर X8B आ रहा है और X9B ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जो X9B है उसका प्राइस था भाई अराउंड 25,000 रुपए, लेकिन X8B का प्राइस 20,000 के अराउंड ही होने वाला है, तो इस वजह से इसका नाम ये है। खैर यहाँ पर ये लास्ट वीक में लॉन्च होगा जून के, और इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिलेगा, 20,000 में एक ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले होगी, 6.7 इंच का फुल HD 90Hz AMOLED पैनल होगा। अब X9B की जो खासियत थी ना, वो डिस्प्ले थी, वो टूटती नहीं थी, मतलब लोगों ने कार तक चढ़ाई है उसके ऊपर फेंक के मारा है, क्योंकि वहां पर एंटी शॉक एब्जॉर्प्शन कुछ लगा हुआ था डिस्प्ले के अंदर, जिससे वो इंपैक्ट को बिल्कुल फैला देता था डिस्प्ले में, और डिस्प्ले नहीं टूट रही थी। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। खैर यहाँ पर भी आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। सच बताऊं तो एक ही कैमरा अच्छा है 108 मेगापिक्सल का, क्योंकि यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो या डेप्थ मिलने वाला है, और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप होने वाला है। तो फोन ठीक ठाक लग रहा है 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, लेकिन ओनर से जो लोग खफा है वो इसलिए है क्योंकि ओनर के जो चाइना के अंदर फोन पुराने हो जाते हैं ना, उनको इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं ये, मतलब लेटेस्ट सीरीज के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इस पर आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर बता देना। बाकी भाई जो 2024 है फुल ऑफ सरप्राइजेस है, क्योंकि यहां पर OnePlus का पहला फोन होने वाला है जिसके मैं बताऊंगा कि 20,000 रुपए में आपको AMOLED पैनल देगा। इसका नाम है OnePlus Nord CE4 Lite, और यहां पर भाई इसके अंदर 6.6 इंच का OLED पैनल मिलेगा, वो भी फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 होगा। भाई 20,000 के प्राइस सेगमेंट में ज्यादातर कंपनियां यही प्रोसेसर दे रही हैं, और जो इससे बेहतर दे रही है हमने देखा है वहां पर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में कॉस्ट कटिंग मिल रही है। खैर यहां पर जो सॉफ्टवेयर है वो OnePlus का आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा है, काफी लोग पसंद करते हैं, और एक बार जो OnePlus की तरफ चला जाए वो मुश्किल ही दूसरी कंपनी की तरफ जाता है जब तक उसके डिस्प्ले में ग्रीन लाइन इश्यू ना मिले। बाकी यहां पर 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब भाई OnePlus के कैमरा उन लोगों को पसंद आ सकते हैं जो भाई गोरा होना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा गोरा कर देते हैं इसके कैमरा। बाकी 5000 mAh का बैटरा होगा और 100 वोट की चार्जिंग, तो यहां पर चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली भाई इस प्राइस सेगमेंट में सबसे तगड़ी लग रही है मेरे को, और देखते हैं कि भाई ये फोन कब आता है, क्योंकि ये कंफर्म है जून में ही लॉन्च होगा, लेकिन डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। वैसे प्राइस तो आपको बता ही दिया मैंने कि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में ये फोन लॉन्च होगा। तो यहां पर यही कुछ फोन थे जो कि भाई जून 2024 के अंदर मिलने वाले हैं। अब यहां पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया एक भाई के तरीके से कि आपको किस फोन का वेट करना चाहिए और किसका ना ही करो तो बेहतर रहेगा। बाकी आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉइन माय गाइस, सो करो टू वॉच योर हार्ट, फील स्टेट इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।